के। गुड आफ्टरनून साहिल, आपने होमवर्क नहीं किया साहिल? सीबीएसई रोहन ने किया होगा। नमस्ते, साहिल रोहन ने तो होमवर्क किया है, साहिल ने नहीं किया है। साहिल क्यों नहीं किया आप होमवर्क? चलिए बताइए चैट बॉक्स में। होमवर्क क्यों नहीं किया आपने? साहिल आई एम आस्किंग टू यू ओनली। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हूज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। चलिए निकालिए तो इसका आंसर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? रोहन आर यू एबल टू हियर मी? हाँ ओके, चलो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। हेलो, यस, एक्चुअली आई एम बिजी नाउ, कैन यू कॉल मी टुमारो? आंसर आया क्या रोहन? साहिल चलो किसका आंसर है बताइए फटाफट। फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
तो आपको आर की वैल्यू पुट करनी है। ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट, चलिए जल्दी से कीजिए। विशाल आपने भी होमवर्क नहीं किया है। चलो आंसर बताओ इसका जल्दी से। आप बताओ। ठीक है चलिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। इसका फॉर्म तो पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब इज 28 × 28 × 28, 7 × 1 = 4, नथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड नाउ, सो 44, 28 × 28 × 28 × 4 / 3। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना, तो एकदम सिंपल है ये। मल्टीप्लीकेशन तो आता है सबको। Divided by 3, तो इनका प्रोडक्ट आता है 137,984 / 3, और 3 से डिवाइड करने के बाद आता है 45,994 0.67, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना आंसर है इसका। इज इट क्लियर? सिद्धिराज जाएंगे। चलो ये सब सिंपल क्वेश्चंस नहीं करो, कैसे चलेगा आगे? चलो एनसीईआरटी की बुक निकालो अभी आप लोग। एनसीईआरटी में चलो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले वो क्लास 10 से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, सो नाउ प्लीज बी अटेंटिव एंड प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। ओके, नाउ वेयर डू वी अप्लाई वॉल्यूम, वेयर डू वी अप्लाई सरफेस एरिया? ओके, सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एरिया। तो कहां कहां सरफेस एरिया यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन एवर वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पॉट
पॉलिशिंग पैकेजिंग कवरिंग व्हाइट वॉशिंग बेसिकली जहां जहां पे सिर्फ सरफेस की सरफेस अभी पेंट हम लोग किसको करते हैं सरफेस को ही करते हैं हेमिस्फेयर है सिलेंडर है कोई बॉल है तो वी पेंट ऑन द सरफेस एरिया ओनली वी डोंट पेंट इनसाइड मतलब उसके अंदर अंदर जा जाके पेंटिंग नहीं करते अगर कोई हार्ड सॉलिड है वी डू नॉट पेंट इनसाइड द सॉलिड वी जस्ट पेंट द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज इट तो यहाँ पे जब भी हमको पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है पॉलिशिंग का कॉस्ट निकालना है पैकेजिंग का कॉस्ट निकालना है कवरिंग का कॉस्ट निकालना है व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालना है इन ऑल दीज केसेस वी नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया और उसके आगे जो भी कॉस्ट रहेगा हाँ ये दिस इज एप्लीकेबल ओके व्हाइट वॉशिंग टाइलिंग या टाइलिंग में भी क्यूब शेप्ड रूम या टाइलिंग ओके तो इस तरह की चीजों में हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा करेक्ट अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है भाई तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा रेट इंटू टोटल एरिया जो भी एरिया फाइंड करने बोलेंगे सरफेस एरिया में अगर पेंटिंग करना है सरफेस एरिया निकालेंगे ओके तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट निकालते हैं तो देखो अगर कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो गया तो इनटू या इक्वल टू है ठीक है ना दिस इज इक्वल टू कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू टोटल एरिया मतलब रेट और टोटल एरिया दे रेट मतलब क्या वो बोलेंगे कि अभी जैसे आप जाते हो कभी मतलब अगर आप पापा वगैरह डिस्कस करते होंगे तो यू मे हियर डिस्कसिंग देम दैट एक स्क्वायर फीट का पेंटिंग करने का कॉस्ट है रुपी 5 रुपी 10 रुपी 200 रुपी 1000 ठीक है इस तरह का इस तरह बोलते फिर बोलेंगे कि अच्छा ये बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट क्या है इतना स्क्वायर फीट पर रुपी 1000 पर स्क्वायर फीट ऐसा रहता है तो वो सब चीजें रेट हो गया और टोटल एरिया कितने एरिया को टाइलिंग करना है कितने एरिया को पेंटिंग करना है अगर जैसे कि सपोज आई टेक एन एग्जांपल सपोज अगर हमारे वॉल को पेंटिंग करने का कॉस्ट है रुपी 5 पर मीटर स्क्वायर और आपके घर के वॉल का एरिया है मान लो 50 मीटर स्क्वायर तो कितना खर्चा होगा हमारा कॉस्ट कितना लगेगा पेंटिंग में बताइए $250 राइट ओके वेरी गुड चलिए कॉस्ट तो ये 5 × 50 दैट इज $250 अच्छा और कभी कभी वो टोटल कॉस्ट दिए रहेंगे और ये रेट दिया रहेगा उससे क्या निकल जाएगा एरिया निकलेगा तो एरिया इक्वल्स टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट हो जाएगा और रेट निकालने रेट तो नहीं निकालने बोलते हैं जनरली कॉस्ट ज्यादा निकालने बोलते हैं और कभी कभार वो एरिया निकालने बोलते हैं ठीक है तो ये चलिए प्लीज राइट डाउन दिस एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दिस चलिए लिख लिया आप लोगों ने
लिख दिया, ठीक है। तो इस ऐसे जगह पे हमको सरफेस एरिया यूज करना है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल रहे, जस्ट आई गेव यू सम आइडियाज वेयर यू वी नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। क्वेश्चन देखेंगे तो और भी समझ में आएगा, ठीक है। अभी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कहाँ कहाँ यूज होगा? तो वॉल्यूम विल बी यूज्ड, हमको कैसे समझेगा, जहां पे भी सपोज आपको मास फाइंड करना है, मास और वेट, किसी सॉलिड का वेट फाइंड करना है तो वॉल्यूम करना पड़ेगा, करेक्ट। और कहीं पे मेल्टिंग दिया हुआ है, रिकास्टिंग दिया हुआ है, लिक्विड एकोमोडिटी, राइट, मेल्टिंग दिया है, रिकास्ट किया है, हाँ लिक्विड एकोमोडिटी, ये अच्छा वर्ड है, लिक्विड एकोमोडिटी। चलो इसका मैं बता देता हूं। सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अच्छा इसका जितना पानी है ना, एक हम लोग कोन शेप के बेसन में डाल दिए और दोनों का वॉल्यूम मान लो सेम है, ये बड़ा होगा थोड़ा इसके, सेम है। और तो इस तरह से क्या होगा, मतलब अगर इसमें जितना पानी डाला उतना ही सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम हुआ मतलब, तो फिर इसमें से उन्होंने इसका वॉल्यूम दिया रहेगा और इसमें से आर ओ एच कुछ निकालना पड़ेगा, तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, मास वेट मेल्टिंग रिकास्टिंग लिक्विड एकोमोडिटी, ठीक है ना, इस तरह की चीजें रहेंगी। फिर मान लो बोलेंगे कि एक बड़े सॉलिड है, इसको मेल्ट करके ऐसे और भी छोटे छोटे सॉलिड बनाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इससे क्या होगा हमारा, अभी पूछेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, या इसका वॉल्यूम पूछेंगे, इसका दिया रहेगा तो इसका पूछेंगे, इसका दिया है तो इसका पूछेंगे, ठीक है, पिछले साल भी था, ठीक है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गया। फिर मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मान लो आपने क्या किया, आपके बर्थडे पार्टी में आपने एक फैमिली पैक आइसक्रीम लाया, ठीक है, ये पूरा का पूरा फुल पैक्ड है। अभी आपको पता, और आपके पास छोटे छोटे ऐसे कोन आइसक्रीम है जो कि बच्चों को देना है, और इसको बांटे ना तो पूरा टोटल 10 स्टूडेंट को हुआ, तो मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू 10 इंटू कौन सा वॉल्यूम होगा, ये इससे जो भी निकालना है निकाल लेंगे, इज इट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। आई क्या बात समझ में सबको, ये इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया, प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा एक मिनट, यस, हाँ जी, ठीक है, ग्रेट। तो चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका आंसर बताइए हमें, सब लोग पहले लिख लीजिए इसको, प्लीज राइट डाउन दिस, लिख लिया, ऑल द स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन फास्ट। भगवान,
हो गया रिटर्न, ठीक है, वेरी गुड. सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, ऑल ऑफ यू हैव टू रिस्पॉन्ड दिस, ठीक है, प्लीज बी रेडी, ऑल द स्टूडेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, ठीक है. नाउ यू हैव टू टेल वेदर वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम और वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया, दैट इज द आंसर. ओनली यू हैव टू गिव ओनली टू आंसर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दैट्स इट, ठीक है. सो प्लीज बी रेडी. चलो अभी एक वॉल है, ठीक है, ये दिस इज अ वॉल और इसमें ऐसे छोटे छोटे ब्रिक्स लगे हुए. वॉल का वॉल्यूम दिया हुआ है और ब्रिक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है. हमको फाइंड करना है कि कितने ब्रिक्स इस वॉल को बनाने में कितने ब्रिक्स लगे हैं, वो फाइंड करना है. तो क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम या सरफेस एरिया? चलिए रोहन ने बोला सरफेस एरिया, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? चलिए सर, एवरीबॉडी, ऑल द स्टूडेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, सबको बताना है सरफेस एरिया. साहिल, पार्थ, ऐसे और कोई? चलिए जल्दी बताइए बाकी के लोग. पार्थ हो गया, रोहन हो गया, साहिल, सिद्धिराज, आप लोगों ने नहीं रिस्पॉन्ड किया है. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, एक वॉल है, एक वॉल को बनाने में बहुत सारे ब्रिक्स लगते हैं, वॉल का वॉल्यूम दिया हुआ है, ब्रिक्स का वॉल्यूम दिया है, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड फॉर मेकिंग द वॉल, ठीक है. चलिए द आंसर इज रॉन्ग, आंसर विल बी वॉल्यूम. चलिए अभी देखिए क्यों. हाँ ना? तो अभी ये देखिए वॉल जो बना हुआ है, तो वॉल का यहाँ पे ब्रिक्स रहेगा, तो अगर आप बोल रहे हो ना कि सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको हमारा जो ब्रिक्स होगा ना वो हॉलो होगा, पैकेट का होगा, लेकिन ब्रिक्स तो हमको पूरा ऐसा मिट्टी का बना हुआ फुल ब्रिक्स देना पड़ेगा, इज इट? इसीलिए हमको, मान लो वॉल का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर और ब्रिक्स का वॉल्यूम है 2 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, जो भी बड़ा रहता है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, दैट इज 50, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज. तो याद रखो जब भी ऐसा कुछ रहेगा ना, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सॉलिड्स और उसको कंपेयर करना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है. सब अभी ना हम लोग एक टेंट बनाने वाले हैं. स्टार्टिंग में सिलिंड्रिकल है और ऊपर में है ना वो कॉनिकल है, ठीक है. अभी हमको इस टेंट को बनाने के लिए क्लॉथ लगेगा, करेक्ट? तो हमको फाइंड करना है कि हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, एसए और वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम. पार्थ बोला ऐसे, रोहन बोला ऐसे, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? विशाल, साहिल, सिद्धिराज, चलिए बताइए भाई. साहिल, सिद्धिराज, पार्थ, पार्थ ने बता दिया, विशाल क्या हो गया? यस, ऐसे. सो द आंसर इज राइट, हियर वी विल हैव टू फाइंड आउट द ऐसे. तो क्लॉथ, सॉरी, क्लॉथ रिक्वायर्ड,
चलो ये बताओ, अभी सिलेंडर का सीएसए लेंगे या टीएसए लेंगे ये बताइए। सीएसए, ठीक है। तो ये तो सिलेंडर का हो गया सीएसए। व्हाट अबाउट कौन, कौन का सीएसए या टीएसए? कौन का भी सीएसए, सही है। तो क्यों ऐसा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप जब टेंट बनाओगे तो ये वाला पार्ट तो फ्लोर रहेगा और ये पार्ट तो एम्प्टी रहेगा। तो ये पार्ट बेसिकली हमको सिर्फ यही पार्ट क्लॉथ के लिए यूज करेंगे, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, तो सीएसए हो गया। और यहाँ पे कौन है, तो कौन का सीएसए, ये पार्ट कर्व में आता और ये पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना, सिलेंडर में भी नहीं, कौन भी, क्योंकि ये एम्प्टी पार्ट है, तो सीएसए होगा। तो इस तरह से हम लोग क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कौन करेंगे। इज इट क्लियर? ग्रेट, थैंक यू। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ओके नाउ, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, चलो पार्थ के घर में पार्टी है, ठीक है, और उसने फैमिली पैक लाया आइसक्रीम सिलेंड्रिकल शेप का लाया, ठीक है, दिस इज आइसक्रीम बॉक्स। और आपके पास ऐसा इसमें सर्व तो नहीं करेंगे, ऐसा कौन शेप का जिसमें इसमें से इसमें डालते और डालेंगे, ठीक है। तो अभी हमको फाइंड करना है टोटल कितने कौन बनेंगे इस तरह के, या राइट। व्हाट अबाउट अदर्स? रोहन ने वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा ही है ये। तो इसमें अभी चलो इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, तो ये कौन को फिल करेंगे, चलो थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, ये कौन को फिल करना है पूरा, और ऊपर से कैसा ना आइसक्रीम खाते तो इस तरह से हेमिस्फेरिकल रहता है ना वो, तो हमको फाइंड करना है कितना आइसक्रीम बनेगा, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम, नंबर ऑफ आइसक्रीम, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि फैमिली पैक वाला है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस तरह होगा ये। ये समझ में आया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चलो आप सब लोगों ने लड्डू तो खाए होंगे, हेमिस्फेरिकल शेप का लड्डू है, ठीक है ना, तो स्फेरिकल शेप का लड्डू है, इसके लिए मुझे बॉक्स बनाना है, इसको पैकिंग करने के लिए बॉक्स बनाना है हमें, ओके। तो इसके बॉक्स के लिए कितना पेपर यूज होगा वो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चलो स्टूडेंट प्लीज बताइए, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सपोज चलो अभी क्रिकेट बॉल, मान लो एक क्रिकेट का बॉल है, ठीक है, क्रिकेट के बॉल के पैकिंग करने के लिए हमें बनाना है उसका बॉक्स, क्यूबिकल शेप का बॉक्स रहेगा, तो वो जो बॉक्स रहेगा उसको, उस बॉक्स को बनाने में कितना पेपर लगेगा, हाउ मच पेपर विल बी यूज फॉर मेकिंग द बॉक्स विच इन विच वी कैन कीप द क्रिकेट बॉल और फुटबॉल वॉट एवर। तो फाइंड क्या करना है, एसए या वॉल्यूम, पार्थ इज सेइंग बोथ एसए, ओके, सो द आंसर विल बी एसए ओनली, वॉल्यूम नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, एसए ही होगा, ओके, सरफेस एरिया।
देखो ये जो पेपर क्या यूज करें, पेपर तो हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे, पैकेजिंग के लिए करेंगे। तो पैकेजिंग करने के लिए थोड़ी ना हमको कि एग्जैक्ट वेट कितना है, इतना थोड़ी ना वॉल्यूम फाइंड करते, बस उसके अंदर फिट होना चाहिए। तो दैट वी हैव हियर वी विल यूज एसए। क्लियर है ये? इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? हाँ जी, थैंक यू। नाउ चलो अभी हम लोग मूव करते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो और एक लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू से, ठीक है। अभी मान लो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप का बहुत बड़ा आयरन का ब्लॉक है, दिस इज आयरन ब्लॉक, ठीक है। अभी इसको हमने मेल्ट कर दिया और छोटे 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 ऐसा स्फेरिकल बुलेट्स बनाए, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कितने ऐसे बुलेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ बुलेट्स। बताइए क्या होगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम। हाँ तो नंबर ऑफ बुलेट्स क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ब्लॉक क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। चलो तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना ही सिलेबस में समझने के लिए भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो प्लीज पे अटेंशन नाउ। चलिए सब लोग अभी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 निकालिए, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट प्लीज टेक आउट एक्सरसाइज 13.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 13.1। क्वेश्चन वन, चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम दिस आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। चलो यहाँ पे दो क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64, चलिए इस तरह से दो क्यूब है, एक का वॉल्यूम है 64, तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा जब हम लोगों ने दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले तो साइड निकालना पड़ेगा, चलिए इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 64, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब। तो ए कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 16, ए विल बी 4। तो हमारे पास एज आ गया, क्यूब का एज आ गया। अभी इस तरह से इसका 4 है तो इसका भी 4 होगा, लेंथ ब्रेड हाइट सब कुछ तो सेम ही होता है क्यूब में। चलिए इधर देखिए, अभी ये 4 तो 4 रिजल्टिंग क्यूबॉइड,
रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लिए एल कितना होगा, बी कितना होगा, एच कितना होगा? तो देखिए अभी ये हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, ठीक है, तो एल कितना हो जाएगा, ये फोर और ये फोर, एट हो जाएगा। ब्रेड्थ कितना होगा इसका, लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, हाइट, व्हाट अबाउट हाइट? फोर, वेरी गुड। तो एकदम इस तरह से करना है चीज, पहले साइड निकाल लिया, तो अभी इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। एल बी एच कितना है, एट इंटू समझ में आया क्या ये? ओके ओके, ऐसे निकालना था क्या? ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी निकाल देते, वो बराबर है, वॉल्यूम तो बहुत आसान था। ठीक है, मैंने गलती से निकाल दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया टू इंटू एल बी, एट फोर जा फोर, फोर जा थर्टी टू इंटू थर्टी टू सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन इज एटी, ठीक है। अभी समझ में आया ये? यस। चलो अभी एक इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, चलिए सब लोग इसको कंप्लीट कर दीजिए। आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। हो गया लिखना? लिख लिया सब लोगों ने? यस, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसको कीजिए सब लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड द सरफेस एरिया फाइंड द सरफेस एरिया इफ इफ थ्री क्यूब्स फाइंड द सरफेस एरिया इफ थ्री क्यूब्स ऑफ
each of volume 125 and is 3 cubes each of volume are joined together. चलिए इसको सॉल्व कीजिए. तो आंसर है किसी का? बताओ आंसर बताओ. ये कितना आएगा भाई? आंसर बताओ. तुम लोग कोई आंसर ही नहीं बता रहे. 5 है तो रिजल्टिंग की अवॉइड. एल कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5 = 15. तो सरफेस एरिया 2 × LB BH. To 2 × 350 हो गया. ये आंसर है. 350 इज द आंसर. 175 नहीं है पार था, 350 है. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे यार. अब ये क्या फिर भी नहीं तुम लोगों को करना आ रहा है? और होमवर्क भी नहीं करते हैं ना यार तुम लोग. हट, कोई भी होमवर्क नहीं करता आप में से. सिर्फ रोहन ने किया था होमवर्क इस वीक का. ना राघव ने किया है, ना पार्थ ने किया है, ना सिद्धिराज ने किया, ना विशाल. आप लोग इतना हीरो समझते, पता नहीं क्यों नहीं होमवर्क करते. होमवर्क करोगे तब तो समझ में आएगा ना. तुम लोग कभी होमवर्क करते ही नहीं, दिखाते ही नहीं. चलो क्वेश्चन 2 करो. एनसीईआरटी का भी 13.1.
क्वेश्चन टू करो, कुछ तो जवाब दो यार, समझा समझा कि नहीं, तुम लोग शांत बैठे हुए। पार्थ होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? सब लोग बोले थे अगले वीक से करेंगे, अगले वीक से करेंगे, अगला वीक भी खत्म होने वाला है अभी। साहिल, सिद्धिराज, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is this. The total height of the vessel is this. Find the inner. किया। आंसर चेक कीजिए। क्या किया? होमवर्क किया कि क्वेश्चन किया? तो भेजने में क्या लगता है तुमको? होमवर्क ग्रुप बनाया, उसमें भेजना भी तो पड़ता है ना। क्वेश्चन टू भेजा भी करो यार होमवर्क तुम लोग। नेटवर्क प्रॉब्लम पूरा 24 घंटा में दिन भर नेटवर्क प्रॉब्लम ही रहता है, कुछ भी मत बोलो, समझे क्या? प्राइवेट पर मत भेजो, ग्रुप में भेजो। प्राइवेट में मत भेजिए, ग्रुप में भेजिए। प्राइवेट में मुझे कैसे समझेगा? इसके ऊपर सिलेंडर है, ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर सिलेंडर दिया हुआ। फाइंड दिस इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। 14 है और वेसल 13 है, टोटल हाइट 13 दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है, टोटल हाइट 13 दिया हुआ है। तो देखिए ये डायमीटर 14 है तो ये 7 हो जाएगा, तो रेडियस दोनों का कितना हो जाएगा, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर दोनों का 7 हो जाएगा। अभी ये हेमिस्फेयर है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो सिलेंडर का हाइट कितना होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर 13 - 7 दैट इज तो हाइट ऑफ सिलेंडर 13 - 7, 13 - 7 इज हाउ मच? 13 - 7 इज कितना है? 13 - 7 इज 6। तो अभी हमको फाइंड करना है इसका इनर सरफेस एरिया, फाइंड करना, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ये पार्ट तो एम्प्टी है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू क्या होगा? तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का क्या होगा? सी एस ए पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब 7, एच कितना होगा? 6। हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर,
तो देखिए अब ये पाई पाई कॉमन आ जाएगा, सेवन सेवन कॉमन आ जाएगा, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा। तो 49 पाई 6 प्लस 2, 49 पाई 8, 6 प्लस 2 इज 8, ठीक है ना। तो 58 जाए कितना होता है, 58 जाए इज 400, 49 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दी, 49, अच्छा पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, फिफ्टी सिक्स इंटू 22 कितना हो जाएगा, 56 टू जा हाउ मच 112, वन टू थ्री टू, इतना आंसर होगा, समझे क्या। हाँ तो टू पाई आर एच लिखा है ना, ओके टू पाई आर एच, अरे यार पाई आर स्क्वायर एच मैंने वॉल्यूम डाल दिया, यस 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 गड़बड़ हो गया पूरा ये। टू, अरे यार मच्छर काट रहे हैं, टू इंटू आर, आर कितना है सेवन, सिक्स, तो सेवन पाई, पाई सेवन कॉमन आ जाएगा, और कुछ, ठीक है सेवन पाई कॉमन आ गया, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सेवन पाई सेवन टू जा फोर्टीन, सिक्स टू जा फोर्टीन, सेवन इंटू 22 बाय 26 तो कितना हो गया 50, 572, ठीक है। अरे हाइट कैसे निकाला, ये रेडियस है सेवन, ये सेवन है तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना सेवन, ये पूरा का पूरा 13 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 13 माइनस सेवन सिक्स, समझ में आया क्या। ओके चलो ये हो गया, क्वेश्चन थ्री कीजिए अभी, क्वेश्चन थ्री फ्रॉम एनसीईआरटी, सिद्धिराज सोमनाथ घाटगे एज रेजिडेंट, क्या है बताइए सिद्धिराज जी, कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैंने अनम्यूट रखा है सबको, चलिए क्वेश्चन थ्री ट्राई कीजिए सब लोग,
चलो ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन 3 to क्वेश्चन 7। और आज ये लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को, कल से अगर होमवर्क सबमिट नहीं किया तो मैं सबके पेरेंट्स को फोन करने वाला हूँ। ये लास्ट टाइम है, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मैं, करता हूँ। ठीक है, करते हो? यस, आपका मिला, आपका मिला। ठीक है, आपका मिल रहा है, बराबर है। सब लोग और ग्रुप में डालना है, फोटो खींच के डालने में कुछ टाइम नहीं लगता है, पीडीएफ बना के देंगे तो और अच्छा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलो, वी विल मीट टुमारो। एवरीबॉडी प्लीज कंप्लीट देयर होमवर्क। ओके, चलो, थैंक यू, बाय, गुड इवनिंग।